बनाया जाए जिसके अंदर ये डिटरमेंट किया जाए, जिसका सबसे पहला TOR ये होना चाहिए कि किसके हुक्म के ऊपर पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से अगवा किया गया। दूसरे नंबर पे जो रऊफ साहब ने फरमाया कि कौन था जिसने CCTV फुटेजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चोरी किए, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने फरमाया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी को लूटा गया है, कौन था जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी को लूटा था। फिर खान साहब ने फरमाया कि 9 मई दरअसल हमारे खिलाफ जुल्म का दिन था, मुझे अगवा किया गया था, मेरे 16 वर्कर्स को शहीद किया गया था और 3 के जो हैं वो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जो हैं वो उनको नकारा बना दिया गया था। कौन था वो जो जिसने पुलिस के अफसरान को हुक्म दिया था कि जिन लोगों की शहादत हो चुकी है उनकी FIRs दर्ज ना की जाएं? कौन था जो उनके घरों में जाकर उनको बाद में धमकाता रहा कि अगर आप थाने में आए तो आपको भी गायब कर दिया जाएगा? खान साहब ने कहा कि ये तमाम बातें जब तक इनका हल नहीं होगा, जब तक इनका जवाब सामने नहीं आएगा, ये इल्ज़ाम तराशियाँ चलती रहेंगी। तरीके इंसाफ हमेशा से पुरम जमात रही है, तरीके इंसाफ हर किस्म के ये जो आपने मुजालिम देखे हैं इसको पुरम रहते हुए उन्होंने बर्दाश्त किया। 16 से जायद या 24 लोग शहीद हुए, लेकिन तरीके इंसाफ की जानिब से किसी एक के ऊपर इल्ज़ाम नहीं कि उन्होंने आगे से कोई फायरिंग की हो, किसी के ऊपर पत्थर भी फेंका हो। तमाम ऐसे लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं जिनको प्लांट किया गया था। तरीके इंसाफ के नाम के ऊपर ये सारा अरसन और जो कुछ तबाही उस दिन हुई वो की गई, लेकिन दरअसल निशाना तरीके इंसाफ थी। दरअसल लंदन एग्रीमेंट के तहत जो प्लान किया गया था उसको एग्जीक्यूट करना था। आज खान साहब ने यह भी एक बार फिर से कहा कि लंदन एग्रीमेंट आज भी उस पर मनवन अमल दरामद जारी है, जिसके अंदर सबसे पहली बात यह थी कि मुझे जेल में डाला जाएगा और मैं आज जेल में हूं। नवाज शरीफ के तमाम केसेस जो हैं वो स्पीड के साथ जो हैं वो ख़त्म किए जाएंगे और वो ख़त्म किए गए। आपके सामने है कि एक तरफ नवाज शरीफ के केसेस हैं, उसी तोशाखाना से 6 लाख की मर्सिडीज बुलेट प्रूफ गाड़ी ली जाती है। कोई सोच सकता है किस कानून के तहत ली गई, लेकिन उसके ऊपर नैब ने जो केस बनाना था वो केस उन्होंने वापस ले लिया। नैब ने प्रोसिक्यूशन से इनकार कर दिया। उसके बाद उनके बेटों के ऊपर जो केसेस हैं, मरियम नवाज को गल्फ में किसी ने गाड़ी दी जो उसने तोशाखाना के अंदर डिक्लेयर ही नहीं की। इसी तरह जरदारी साहब के केसेस हैं, वो तमाम केसेस जो हैं वो छोड़ दिए गए, जबकि इमरान खान के खिलाफ वही सबूत हैं और वही इल्ज़ाम हैं। 14 तो ताइफ थे जिसके ऊपर 3 केसेस पहले से बनाए जा चुके हैं और चौथा केस जो है इस वक्त बनाने की तैयारी है। एक नई इंक्वायरी खान साहब के खिलाफ नैब की खुल गई है। ये नैब के चेयरमैन से सवाल पूछता हूं मैं कि क्या आपको ये गंदम का जो इतना बड़ा बहरान है और कितना बड़ा ये जो स्कैम सामने आया है, ये आपको नज़र नहीं आता? ये आपको इसलिए नज़र नहीं आता कि ये वायसराय ने किया है? ये आपको इसलिए नज़र नहीं आता कि ये ताकतवर लोगों ने किया है? ये मोहसिन नकवी ने किया है? ये अनवार काकड़ ने किया है? ये इसलिए नज़र नहीं आता कि ये वो लोग हैं जिनकी सरपरस्ती आप इस वक्त कर रहे हैं? और नैब का इदारा क्या इस काम के लिए रह गया है कि सिर्फ इमरान खान के केसेस जो हैं उनको प्रोसिक्यूट करे और सिर्फ जो दीगर जमातें हैं या दीगर जितने भी केसेस हैं, जितनी करप्शन हो रही है, किसी की तरफ उनका कोई काम नहीं और कोई तवज्जो नहीं है? इसके अलावा खान साहब ने जो काकड़ अनवारुल्लाह काकड़ ने गंदम के बुरान के ऊपर बात की है, वो भी उन्होंने वाज़े तौर पर उस पर अपना मौकफ दिया है कि ये जो गंदम का बुरान है इसने वाजे कर दिया कि मीडिया के ऊपर किस कदर पाबंदियां हैं। मीडिया के ऊपर पाबंदियां होने के बावजूद ये स्कैम सामने आया है। अगर मीडिया आज़ाद होता तो न जाने कितने और स्कैंडल्स हैं जो छुपे हुए हैं, जो वक्त के साथ साथ हमारे सामने आएंगे। जिस किस्म की तबाही लूट मार मचाई गई है इस पिछले 2 साल के अंदर, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इनसे हिसाब लेगा? कौन है जो नैब के चेयरमैन के जाके जगाएगा कि जनाब आपकी ड्यूटी क्या है?
کب آپ اپنی ڈیوٹی فرمائیں گے. نیب میں دو قسم کے پروسیکیوٹرز ہیں، ایک وہ پروسیکیوٹر ہیں جو عمران خان صاحب کو پروسیکیوٹ کرنے آتے ہیں، وہ پروسیکیوٹر کبھی نواز شریف کے کیس میں پیش نہیں ہوتے کیونکہ وہ پروسیکیوشن کروانے آتے ہیں، جبکہ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ یہ بیان دینے آتے ہیں عدالتوں میں کہ ہم اپنا کیس واپس لے رہے ہیں. تو اس قسم کی سلیکٹو پرسیکیوشن اور پروسیکیوشن جب ہوگی تو واضح ہو جائے گا کہ آپ تحریک انصاف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کے لوگوں کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی آپ سزائیں دلوا رہے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے بات کی ہے روف صاحب نے، صرف آخری کامنٹ ہے میرا کہ 9 مئی جیسا واقعہ جس ملک میں ہوا ہو، اور اگر واقعی جس طرح الزام لگائے گا کہ تحریک انصاف نے بطور جماعت اس کے اندر شرکت کی اور ارسن اور جلاؤ گھراؤ جو ہے وہ کیا، تو یہ عوام جو ہے، جس عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام امیدواران کو جن کے نشان کسی کا میز تھا، کسی کی کرسی تھی، کسی کا پیالہ تھا، کسی کا طوطا تھا، ان تمام 200 سے زائد جو نشانات تھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو ووٹ دیے، کیا یہ تمام پاکستانی دہشت گرد ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیے؟ کیا ان صرف عقل ان لوگوں میں ہے جو آ کے آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ تحریک انصاف انتشار پھیلا رہی ہے؟ انتشار نہیں پھیلا رہی پاکستان تحریک انصاف، پر امن رہتے ہوئے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہے، لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتا رہی ہے، اور اصل بات جو ہے وہ سامنے رکھ رہی ہے کہ جنگل کے بادشاہ نے اس وقت ٹیک اوور کر لیا ہے، اور جب تک یہ جنگل کا بادشاہ ہٹے گا نہیں، ملک اصلی اور اپنے ترقی کے ٹریک کے اوپر واپس نہیں آ سکتا. بہت شکریہ.